हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजी ड्राई सिरप के यूज के बारे में, कि इसका यूज क्या होता है, इसका डोज छोटे बच्चों में किस प्रकार से दिया जाता है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं और इसके टर्म ऑफ कंडीशंस क्या होते हैं। सो दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए हम जानकारी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो एजी ड्राई सिरप है, इसमें एजिथ्रोमाइसिन साल्ट होता है, जो कि एक एंटीबायोटिक साल्ट होता है। और एंटीबायोटिक्स का जो यूज होता है, वो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए किया जाता है। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी बच्चा बीमार होता है, तो उसके बॉडी में कोई ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। जब बैक्टीरिया प्रॉपरली ग्रो करने लगता है, तब बच्चा बीमार होने लगता है। और ये सिरप का यूज प्रॉपरली बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए किया जाता है। जैसे कि दोस्तों, इसका जो मुख्य यूज़ होता है, यदि बच्चे को निमोनिया हो रहा है, तो निमोनिया की कंडीशन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। यदि बच्चे को लंग्स इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। यदि बच्चे को काफ़ी दिन से फीवर आ रहा है, तो फीवर में भी इसका यूज किया जाता है। यदि बच्चे को टाइफाइड फीवर है, तो भी इसका यूज किया जाता है। यदि बच्चे को मलेरिया हुआ है, तो मलेरिया की कंडीशन में भी एजी ड्राई सिरप का यूज किया जाता है। यदि बच्चे को एक्नीज वगैरह हो रहे हैं, या फिर फोड़े फुंसी नॉर्मली हो रहे हैं, तो भी इसका यूज किया जाता है। यदि छोटे बच्चों को टॉन्सिल्स हो रहे हैं, आई इन्फेक्शंस हो रहा है, तो भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रॉपरली यह एक एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक ड्राई सिरप का या फिर एंटीबायोटिक मेडिसिन के यूज काफ़ी जगह पर होते हैं। यदि दोस्तों छोटे बच्चों को यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर यूं कहें कि उसका पेशाब प्रॉपरली पास नहीं हो पा रहा, तो भी इस एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। बात करें दोस्तों हम एजी ड्राई सिरप के डोज के बारे में, कि बच्चों को इसका डोज किस प्रकार से देना है। तो गाइज, इसका जो डोज होता है, वो बच्चे के बॉडी वेट पर निर्भर करता है। तो इसका यूज हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श करने के बाद में ही इसका यूज करवाया जाता है। अब गाइस, बात करें हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो इसके कुछ नॉर्मली साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि नोजिया होना, वोमिट होना, या फिर मसल्स पेन होना, या फिर एब्डोमेन में सूजन आ जाना। ये जो है इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो इसका यूज हमेशा अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद में ही करवाया जाता है। सो दोस्तों, आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि फिर भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो बेशक आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो फिर मिलता हूं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।